यह मामला है कि सरकार जो कानून नया नया ला रही है उस कानून का भय भागलपुर जिला के कुछ थाना के पुलिस जैसे कि लोदीपुर है, जगदीशपुर है, जगदीशपुर में लोदीपुर है, दो तीन थाना है जिसको रात भर ट्रक वाले से अवैध वसूली करने में रहते हैं बाईपास में। और इस बाईपास में स्थिति यह है कि रात के पुलिस नहीं रहता, उसके साथ अवैध लोग रहता है हथियार के साथ, पुलिस रहती है उसकी सुरक्षा में। जब ट्रक वाला लड़ता है तो पुलिस आकर कहता है चलिए थाना में माइनिंग आया हुआ है। यह भय दिखाने में रात भर पुलिस अपना काम करती है जिसके कारण जाम भी लगती है और गाड़ी लोग ड्राइवर छोड़कर भाग जाते हैं। 5,000, 3,000, 4,000 इसी तरह का अवैध वसूली कराया जाता है अवैध लोगों से। इस तरह की कई घटना रोड पर एन एच पे आती है कि आप ड्राइवर से मारपीट या पैसा छिनतई लूट की घटना आती रहती है अक्सर? हाँ, टोटल लोग वहाँ का जो फाइनेंसर के नाम पर जो कहा जाता है कि फाइनेंसर का लोग है, तो फाइनेंसर के नाम पर वहाँ अवैध लोग रात भर सड़क पर, पुलिस से ज़्यादा वही लोग रहता है, उसका सुरक्षा वहाँ के थाना करता है। घोघा से लेकर 0 माइल तक केवल फाइनेंसर के नाम पर अवैध लोग, जितना इलाका के जो गुंडा तत्व का लोग है टोटल लोग अवैध बिना नंबर का जाली नंबर का गाड़ी लगाकर, गाड़ी के आगे में गाड़ी लगा दिया और पैसा वसूल रहा। देखे होंगे वीडियो में आप कि आगे में एक मारुति लगा हुआ है, सेंट्रो कार है, उसका नंबर है, उस नंबर से पता नहीं लग सकता कि कौन लोग है। पर खुलेआम 7 बजे 2 बजे रात तक तस्वीर चलता है भागलपुर बाईपास में। इसको लेकर आप कहीं भागलपुर SSP महोदय को मेल किया हूँ और भागलपुर DIG साहब को भी मैं मेल लिख कर दिया हूँ उनके मोबाइल पर, और एक आवेदन लिखित के तौर पर हम लोग देने जा रहे हैं। अब क्या आप अपेक्षा रखते हैं इसमें? वरीय पदाधिकारी को नहीं मालूम है इसका मतलब। वरीय पदाधिकारी को अगर मालूम होगी तो निश्चित है कि एक दो को कार्रवाई जिला में हुई है अवैध वसूली को लेकर, तो कुछ सबूत इकट्ठा करके हम लोग देने में लगे हैं। वो सबूत जाएगा तो निश्चित हमें लगता है कि कार्रवाई वैसे पुलिस पर जरूर होगी। परिचय दें। मैं भागलपुर जिला ट्रक यूनियन का जिला अध्यक्ष दीप नारायण सिंह।